गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं अपने घास में। सुबह सुबह सर्दी का सीज़न है और हम आए हैं सर्दी को एंजॉय करने और क्या करने, बस घूमने फिरने। और ना यहाँ पे जो हमारा घास के ऊपर, ये देखें, इसको मैं उड़ा के आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़्यादा शबनम है। कैसे गुजर रही है सर्दियाँ। और मज़े की बात यह हो गई कि शबनम आई है शबनम के पास तो अच्छी वाली शबनम कौन सी है, ऑब्वियसली मैं ही हूँ। ये तो ऐसे ऐसे ही है, मतलब बस जो जहाँ तक, तो मतलब ये भी मैं ही हूँ। ये देखिए मेरे होने से बाहर आई है, शबनम के होने से फूल खिले हैं और फूल खुश हो रहे हैं। और क्या, हाँ अभी तो ये स्टार्ट है फूलों का खिलना, बट आहिस्ता 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 ये बढ़ जाएंगे। कैसी गुजर रही हैं सर्दियाँ, सर्दियों में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और किस किस अंदाज से करते हैं, आप ये भी बताइएगा। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, मौसम बहुत सर्द है, धुंध बहुत कम है, बट बादल बने हुए हैं और बारिश के आने का ख़तरा है। आप पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। तो मैं आपको लेके आई हूँ जस्ट यहाँ सुबह सुबह हरियाली दिखाने, अपनी ये घास दिखाने। और ये साग है, अगर किसी को साग चाहिए तो आके तोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे साग लगे हुए हैं, हम नहीं तोड़ सकते। और क्या बताना था, हाँ, और ये था कि सर्दियों में ना इस तरह की एक्टिविटीज़ जब आप बाहर निकले करने के लिए, तो एहतियाती तदाबीर यानी कि गरम गरम कपड़े और गरम चीज़ों का इस्तेमाल साथ ले ही चला करें। अब मेरा जो क्या था, कुछ भी नहीं, जस्ट ये है कि मैं आपको बताऊं और ये बताऊं कि ना क्योंकि ना आ गया ये है घास, यहाँ से हम काट के जाते हैं और ये वाले पौधे हम यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। मैं आपको दिखाती थी घास काट के भी, दिखाया था पिछली वीडियोस में। जो चैनल पर नए हैं वो जाएं मेरे चैनल को विज़िट करें और वहाँ पे वीडियोस देखें। वहाँ पे मेरी घास काटने वाली वीडियो भी है और घास डालने वाली वीडियो भी है, सारी वीडियोज़ हैं। देन अब ये है कि आज हम घास नहीं काट रहे बिकॉज़ कि शबनम बहुत ज़्यादा है। शबनम जस्ट यहाँ आज विज़िट करने आई है, थोड़ा सा घास काटने बिल्कुल भी नहीं आई क्योंकि शबनम बहुत ज़्यादा है। तो हाथ तो हो जाएंगे ठंडे, याख इसलिए नहीं, इसलिए आए हैं बस हम सुबह सुबह यहाँ पे एक्टिव होने, गुड मॉर्निंग करने और परिंदों से बातचीत करने। परिंदे तो वहाँ ऊपर दरख्तों में हैं और मैं तो बस अब इधर तो नहीं आ सकते ना, क्या करें, ये है। और जनाब सर्दी लग रही है और सर्दियों में जो है ना आग जला के उसके इर्द गिर्द बैठना किस किस को पसंद है, ये आप कमेंट करेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा कुछ और। हाँ जी जनाब, ये हैं हमारे साग और बड़े बड़े से माशाल्लाह आपने कमेंट में ज़रूर लिखना है। और मौसम दिखाती हूँ दूर दूर तक, ये है मेरा खूबसूरत सा गाँव जहाँ पे लोग हंसी खुशी सुकून की ज़िंदगी से रहते हैं, एंजॉय कर रहे हैं सादा से लोग सादा सी ज़िंदगी को। और जनाब वो देखिए धुंध भी बनी हुई है दूर दूर तक, लोग अपने काम काज में भी मसरूफ़ हैं, बट इस सर्दी की वजह से जो है ना लोग काम नहीं कर पा रहे। खूबसूरत के मौसम में जो है ना सर्दी को एंजॉय भी करना चाहिए, सर्दी में ठंडी चीज़ें खानी चाहिए, जैसे गन्ने हो गए, माल्टे हो गए, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। बिकॉज़ क्योंकि सर्दी को एंजॉय करना चाहिए। सर्दी आती इसलिए है कि उसको एंजॉय किया जाए, ये नहीं कि आप बैठ गए गरम गरम ड्राई फ्रूट्स खाने बैठ गए। और एहतियात करनी चाहिए बट थोड़ा बहुत चिल भी करना चाहिए, इंजॉय भी करना चाहिए। और यहाँ का जो मौसम है मैंने आपको दिखाया है कितना खूबसूरत, कितना मज़ेदार सा और कितना एक्टिव सा है। यहाँ की खूबसूरती की तो क्या ही बात है, हम लोग तो इसको बड़ा इंजॉय करते हैं। आप लोगों को अगर इंजॉय करना है तो बाहर निकला करें, मौसम देखा करें, हरियाली देखा करें, खुश रहा करें और जो है ना अच्छा सा कॉमेंट भी किया करें। और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी इस तरह की खूबसूरत सी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और क्या बताना था, हाँ आप अपनी राय भी दे सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें किस तरह से इसको मज़ीद बेहतर करना चाहिए, किस तरह से इसमें एडिटिंग करनी चाहिए और क्या आपके यहाँ साग जो है ना कहाँ तक पहुँचा है, ये चीज़ ये फूल कहाँ तक पहुँचे हैं, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जो
मेरे व्लॉग में ये होता है कि मैं आपको जस्ट विलेज की नहीं बल्कि इससे हट के शहर की थोड़ी बहुत टच भी देती हूँ। और यूनी जाते हुए भी मैंने एक वीडियो शेयर की थी, तो उसका भी मैंने आपको टच दिया। और क्या आप ज़्यादा गांव की लाइफ, विलेज लाइफ को पसंद करते हैं या शहरी लाइफ पसंद करते हैं, वहाँ की एक्टिविटीज़ पसंद करते हैं या फिर यहाँ की एक्टिविटीज़ पसंद करते हैं, जो इतनी खूबसूरत है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। दैन इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपके लिए उसी के मुताबिक, आपकी जो है ना राय के मुताबिक ही विलेज टच या फिर शहर का टच जो भी होगा इंशाल्लाह हम बनाएंगे। ये सफ़र चलता रहेगा, मुसलसल चलता रहेगा। फिर मिलेंगे खूबसूरत से व्लॉग में, खूबसूरत सी बंदी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।